इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर। हम भी कब्रों में जिंदा है, उन्हें रोजी रोजी दिया जाता है। हदीस में तो ये है, एक मरतबा सुन्नी में देवबंदी मुनाजरा हो रहा था पाकिस्तान में। एक देवबंदी मौलवी को कहीं जाना था, फ्लाइट पकड़ना था, दूसरे मुल्क में जाना था, तो उन्होंने जल्दी से लिखा कि है देवबंदियों, आपका अकीदा नबी मर के मिट्टी मिल गए, तो किस हदीस में है लिख दीजिए मेरे कागज पर, हमको बाहर जाना है, फैसला सुनना चाहते हैं। तो जब दिया तो कहा कि जाओ शेखुल हदीस के पास, वहाँ बैठे हुए हैं। उनके पास गए, जाओ सदर मदरस के पास, वहाँ पर बैठे हुए हैं। अरे जाओ मोहतमिम साहब के पास, वहाँ बैठे हुए हैं। सब एक दूसरे का भेजते रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई तो हदीस लिख दे। सुन्नी के पास गया, लिख दीजिए हदीस, तो सुन्नी ने लिख दिया इन्नल्लाह हर्रमल अर्ध अंता को रब्बिया फनबीउल्लाह अय्युन वयुर्ज़क। अल्लाह ने ज़मीन को हराम करार दिया गया कि वो नबी के जिस्म को खाए। अल्लाह के नबी जिंदा है, उन्हें रोजी दी जाती है। जब यह हदीस लिखा ताकि देवबंदियो जानने में जाओ, यही सुन्नी लोग जन्नती। हदीस इनके पास है, तुम्हारे पास कट दिली है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अरे मियाँ, हाँ एक बात है, एक बात मैं कहूँगा कि कुरान में वजाहत के साथ ये नहीं है कि नबी जिंदा है, इन्नल अंबिया अहयाउन फी कुबूरहिम, अंबिया जिंदा अपनी कब्रों में, ये कुरान में नहीं है। हदीस में तो है मगर कुरान में नहीं है। कुरान में क्यों नहीं है नबी की ज़िंदगी की बात, कुरान में क्यों नहीं है? तब गौर से समझेंगे तो वो भी है कुरान में। वो क्या? तो कुरान शरीफ में आया है वला तकुलू लमा युक्तलो फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वला तिकुल्ला तशरून, कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएँ उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं। अल्लाह की राह में जो मारा जाए, अल्लाह की राह में जो मारा जाए, जो कत्ल हो, तो गोया शहीद को कुरान ने इसलिए जिंदा कहा कि उसकी मौत फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह की राह में। हुसैन इसलिए जिंदा है, उनकी मौत फी सबीलिल्लाह है। हमजा इसलिए जिंदा है, उनकी मौत फी सबीलिल्लाह है। अली अकबर इसलिए जिंदा है, उनकी मौत फी सबीलिल्लाह है। अली अकबर इसलिए जिंदा है, उनकी मौत फी सबीलिल्लाह है। प्यारे मुझे कह लेने दो, मुझे कह लेने दो कि सिर्फ जिसकी मौत फी सबीलिल्लाह हो वो तो जिंदा है। नबी फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है, नबी फरमा दीजिए मेरी जिंदगी फी सबीलिल्लाह है, मेरी मौत फी सबीलिल्लाह है, मेरी नमाज फी सबीलिल्लाह है, मेरी कुर्बानी फी सबीलिल्लाह है। तो जिसकी सिर्फ मौत फी सबीलिल्लाह है वो जिंदा है, और जिसकी पूरी जिंदगी फी सबीलिल्लाह है वो मुर्दा कैसे हो सकता है? तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वालों। मेरे भाई, मोहब्बत वाले ही, मोहब्बत वाले ही अल्लाह ताला के महबूब हैं, मोहब्बत वाले अल्लाह के महबूब हैं। तो कहने का मतलब ये है इन देवलियों के पास मोहब्बत है ही नहीं है, तो साबित करें। हाँ हम साबित कर देते हैं, ये तो बात का बसंगर बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये हेरा फेरी करते हैं। कैसे हेरा फेरी करते हैं? देखो हेरा फेरी वो इस तौर से करते हैं। कहाँ जा रहे भाई? बस जाइए, ये हेरा फेरी करके नबी की चार घटाते हैं। सुनो भाई, सहाबा, सहाबा किसे कहते हैं? मौलान नहीं बैठे हुए हैं, उलमा कलाम बैठे हुए हैं, मौलान ज़हीर अब्बास बैठे हुए हैं, पूछिए उसे, उनसे सहाबा किसे कहते हैं? सहाबा उसे कहते हैं जिसने अपनी सर की आँखों से नबी को देखा हो, और उसी देखने पर उनकी मौत हो, बदले बदले ना हो। सहाबा किसे कहते हैं? कि अपने सर की आँख से नबी को देखा हो और उसी पर उसकी मौत हो, है ना भाई? अच्छा, बहुत सारे सहाबा नाबीना भी थे, अंधे भी थे। अब्दुल इब्ने मक्तूम नाबीना है, वो भी सहाबी हैं। तो सहाबी की तारीफ क्या है? कि वो जो अपनी आँख से नबी को देखे और उसी पर मौत हो, उसी पर मौत हो। तो बहुत सारे साहब है, साहबी नाबीना है,
उन्होंने अपनी आंख से नहीं देखा है, वो सहाबी कैसे हैं? तो मेरे भाई, सहाबी उसी को नहीं कहते हैं जो नबी को ईमान के साथ देखे, सहाबी उसे भी कहते हैं जो ईमान के साथ नबी को देखे, वो न देखा तो नबी ईमान की हालत में उसको देखे, वह सहाबी है। तो सहाबी का रुतबा क्या है, सहाबी का मर्तबा क्या है? सहाबी का रुतबा ये है, सहाबी का मर्तबा ये है कि दुनिया में जितनी उम्मत है, जैसे हुजूर सल्लम की जितनी उम्मत है, सहाबी उम्मत में सबसे आला है, उम्मत में। हाँ, अगर आपको 100 साल की उम्र अल्लाह दे दे, 100 साल में आप दिन में जिहाद कीजिए, रात में इबादत कीजिए, नमाज पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए, इशराक पढ़िए, अवाबीन पढ़िए, 100 साल तक उसकी इबादत की बरकत से आप वली हो जाएंगे, अरे गौस हो जाएंगे, खाजा हो जाएंगे, गौसुल अखवास हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। क्या सहाबी भी हो जाएंगे? नहीं, सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते हैं, सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है? तो सुनो, अब इनका हेरा फेरी समझाता हूँ, अब मैं इनका हेरा फेरी समझाता हूँ। वो ये कि ये तो इत्तफाक है देवबंदी का, वहाबी का, कि सहाबी सब उम्मत से अफजल है, मगर अफजल की बुनियाद क्या है, कैसे अफजल है? तो सुनो, कानू अफजल हादी उम्मा, जितने सहाबा हैं इस उम्मत से अफजल हैं, सबका इत्तफाक है। अब अफजल कैसे हैं, क्यों हैं? तो उन लोगों का कहना ये है कि अफजल इसलिए है कि इन लोगों ने, सहाबा ने काम बहुत किया है, काम इसलिए अफजल है। हमारा कहना ये है सुन्नियों का कि सहाबा काम की वजह से अफजल नहीं है, नबी के दीदार की वजह से अफजल है, नबी के दीदार की वजह से अफजल है। एक बुत परस्त ऊंट पर सवार होकर आया नबी के बरगाह में, ऊंट से उतरा और नबी के हाथ पर ईमान लाया, अभी वापसी के लिए जब ऊंट पर बैठा तो संभल के नहीं बैठ सका, गिर गया, मर गया। मेरे आका उठे, उसकी आंखें बंद किए, हाथ पांव सीधा किया और फरमाया अमला कलीलन वाजरा कसीरन, कितना खुश नसीब है, थोड़ा सा अमल किया, सिर्फ कलमा पढ़ा, इतना बड़ा अजर पा गया कि सहाबी हो गया, एक कदम में दुनिया से जन्नत में पहुंच गया। न नमाज है, न रोज़ा है, न हज है, न ज़कात है, और जन्नत में पहुंच गया, कितना बड़ा खुश नसीब है। तो मेरे भाई, तो पता कि चला कि सहाबी अफसर क्यों है? नबी के दीदार की वजह से। आप मुझे कह लेने दो, जिसने नबी को देखा उसकी तरह कोई नहीं, और जिस नबी ने मेराज में अपने रब को देखा उसकी तरह कौन हो सकता है? उसकी तरह कौन हो सकता है? मेरे भाई, ये दोनों हाफिज कुरान दो बच्चे हुए, एक मुजम्मिल के लड़के हैं और एक लड़का मेराज के हैं। दोनों बच्चे किनके हैं? हैं एक रमज़ान के, एक मुजम्मिल के, एक रियाज के, एक रमज़ान के। हम उन दोनों बापों को मुबारकबाद पेश करते हैं। हदीसे पाक में आया है कि कल मैदान महशर में हाफिजों के बाप का सर इतना ऊंचा होगा कि कोई उम्मत एक किनारे में हो, उनके बाप आखिरी किनारे में हो महशर में, जहाँ भी होगा वहीं से लोग देखेंगे और कहेंगे कि इन दोनों के बच्चे हाफिज कुरान हैं, इनके बाप का सर कितना ऊंचा है। ए मियाँ, यहाँ ऊंचा मत बनो, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अब वहाँ ऊँचे नजर आओगे, वहाँ सरबलंद नजर आओगे। मेरे भाई, जीत लगाओ, तवज्जो से दो। मैं कहना चाहता हूँ कि हाफिज कुरान, देखो हर इल्म की गर्ज होती है, हर इल्म की गायत होती है। मना जहीर अब्बास साहब, हर इल्म की गर्ज गायत होती है। अब डॉक्टर है, डॉक्टर की इल्म का सिरा क्या है?
आप जाइएगा डॉक्टर के पास कि भाई मुझको बुखार फीवर आता है, देखिए। तो अच्छा, आँख खोलो, आँख खोल के देखेंगे, हाथ देखें, नब्ज देखेंगे, आला लगाएंगे, सांस लंबी लंबी लो, मैं देखता हूँ तुम्हारे सांस की पोजीशन क्या है, उतार चढ़ाव क्या है, नसीबो फराज क्या है। तो पूरे आप भर्ती में 100 मरतबा बैठे रहो डॉक्टर के पास, आप मरीज को देखते रहो। तो डॉक्टर खाली मजीद मरीज की आँख से, हाथ से, कान से काम रखता है, इंजीनियर है तो उसको सिर्फ मिट्टी से काम है। यहाँ पर क्या मंजिला इमारत बन सकती है, कितना गहरा पिलर हो सकता है, यहाँ की मिट्टी कैसी है। तो इंजीनियर की इल्म का सिरा मिट्टी है, जमीन है। डॉक्टर की इल्म का सिरा आदमी का बदन है। कुरान और हदीस के इल्म का सारे सिरा बदन नहीं है, नबी का कदम है। अपने बच्चों को नबी के कदम तक पहुंचाओ, अपने बच्चों को नबी का गुलाम बनाओ, अपने बच्चों को नबी का आशिक बनाओ। सुनो सुनो, जो नबी का गुलाम बन जाए फिर डॉक्टर बनाओ, फिर इंजीनियर बनाओ, फिर जो चाहो वो बनाओ, जो चाहो वो। बोलो भाई, मेरी बात सुनने आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, तो कहने का मतलब ये है, हमारा इस्लाम ये नहीं कहता है कि डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, इंग्लिश ना पढ़ाओ। इस्लाम मुखालफत किस चीज़ की करता है कि इतनी अंग्रेजी ना पढ़ा दो तो अंग्रेजी हो जाए, इतनी हिंदी ना पढ़ा दो कि हिंदू हो जाए, समझे कि नहीं। इस्लाम कहता है कि इस्लाम सिखा दो फिर डॉक्टर बनाओ, फिर इंजीनियर बनाओ, फिर जज कलेक्टर बनाओ, पहले नबी का गुलाम बना दो फिर जो चाहो बनाओ। यह कुरान कहता है, लेकिन ये अर्ज करना है कि एजाज कितना बड़ा है। देखो भाई, आलिम का क्या मकाम है, हाफिज का क्या मकाम है इस्लाम में, हाजी का क्या मकाम है। कल मैदान महशर में अल्लाह अकबर, जिस दिन अल्लाह का गजब होगा, आदम, ईसा, नू, इब्राहिम सब कहेंगे आज मैं खुद कांप रहा हूँ, किसी और के पास जाओ, अल्लाह का गजब भड़का है, कहीं और चले जाओ, आज मेरे बस का रोग नहीं तेरी मदद करना। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला सबसे पहले नबी को शफात की इजाज़त देंगे, और नबी कहेंगे उलमा को कि आप भी शफात कीजिए, जिसने आप पर इतना एहसान किया हो कि शिंजा के लिए परेशान थे, किसी ने ढेला उठा के दे दिया, गिलास में पानी दे दिया, लोटा में पानी दे दिया, लीजिए सिंजा कर लीजिए, जिसने इतना भी तेरे साथ सुलूक किया है, जाओ जहन्नम से निकाल लो, जाओ जहन्नम से निकाल लो। आओ, हाजी 70 लोगों की शफात करेगा अपने खानदान में, जो लोग भेजने के लिए गए, जो लोग छोड़ने के लिए गए, जो लोग मोहब्बत से मिले, जिन लोगों ने उसे मुसाफा किया, पैसे दिए, खाना खिलाया, दावतें की, ऐसे 70 लोगों की हाजी शफात करेंगे। और हाफिज सुभान अल्लाह अपने खानदान के 10 लोगों की माँ है, बाप है, भाई है, बहनें हैं, जिन्होंने प्यार दिया, उस्ताद हैं, है ना, उस सब की शफात हाफिज करेंगे। आप खुद हाफिज की शफात, खुद हाफिज की शफात कुरान करेगा। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह कुरान को ज़बान देगा, तो कुरान कहे अल्लाह इन्होंने मेरी हिफाजत किया है, इसको तू जहन्नम की आग से हिफाजत कर ले। सुभान अल्लाह, देखा कि नहीं, इल्म की कितनी बड़ी बरकत है, इल्म की कितनी बड़ी शान है। तो मेरे भाई, आप मदरसा खोला है, निभाइए, आप अपने पैसे से पढ़वाइए किसी गरीब बच्चे को, कहते आपकी शफात का समान तो हो जाएगा, बख्शिश का समान तो हो जाएगा। मोहम्मद है ना, मैदान महशर में कोई किसी का ना होगा, मोहम्मद तक पर होंगे, अदालत पर खुदा होगा, उस मैदान महशर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप जिसको पढ़ा देंगे वो आपको काम आएगा, वो आपको काम आएगा। मेरे भाई, मैं तो कहूँगा जनाब शकील भाई से, डॉक्टर साहब से, कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही हाफिज कुरान करे। मेरे मुर्शिद मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में एक 40 साल की उम्र का आदमी पहुँचा, उनका नाम था नूरी बाबा। उन्होंने कहा, हुजूर मेरी उम्र 40 साल की हो गई, मैं हाफिज हो जाऊँगा? हाँ,
अगर आप चाहेंगे तो हो जाएंगे। बैठ के पढ़ने के लिए तीन साल में हाफिज कुरान हो जाए, तो आप चाहेंगे तो इल्म की कोई उम्र मुतय्यन नहीं है। उत्तुल इल्मा मिन महदिहिल्लाह, माँ की गोद से लेकर के मिट्टी तक पहुँचने तक इल्म हासिल करने का वक्त है। अपने बच्चे को आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए, कारी बनाइए। याद रखिएगा, जिसने जिस घर में हाफिज कुरान है वही घर है, बाकी घर तो कब्रिस्तान है। समझे कि नहीं? बाकी घर तो कब्रिस्तान है। इन्हें दुरूद शरीफ या कुरान शरीफ जरूर पढ़ी। इमाम आजम ने 100 मरतबा अल्लाह को ख्वाब में देखा। इमाम आजम और 100 मरतबा पूछा इमाम आजम ने कि अल्लाह, बंदे सारे काम करते हैं इबादत, उन इबादतों में सबसे बेहतर इबादत तेरे लिए क्या, तू किस चीज़ को पसंद करता है? तो अल्लाह फरमाता है, मेरा जो बंदा कुरान की तलावत करता है उस हालत में वो मुझको सबसे अच्छा लगता है, उस हालत में वो मुझको सबसे अच्छा लगता है। तो मेरे भाई, कुरान पढ़ोगे तभी ना तलावत करोगे, कुरान पढ़ोगे जब ही तलावत करोगे। तो मेरे भाई, अर्ज करना है कि कुरान पढ़िए, कुरान की तलावत कीजिए और अपने घर को बुक का नूर बनाइए, अपने घर को बुक का नूर बनाइए। मेरा चैलेंज है कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा उस घर में आफात बलियात दूर दूर रहेंगे। मेरे भाई, ये उलमाए किराम है। अब दुरूद शरीफ ही है, अब दुरूद शरीफ को क्या समझते हैं? हजरत हसन बसरी बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, हजरत अली के मुरीद हैं। हसन बसरी किनके मुरीद हैं? हजरत अली के। हसन बसरी के पास एक औरत आई, हुजूर मेरी जवान बच्ची मर गई है और हम उसको ख्वाब में देखना चाहते हैं, कोई वजीफ़ा बता दीजिए, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। हसन बसरी ने एक वजीफ़ा बता दिया। उस औरत ने पढ़ा तो अपनी लड़की को ख्वाब में देखा। किस हालत में? कि जिसमें तारकूल का लिबास है, गर्दन में जंजीरें हैं लोहे की, हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है। लड़की ने अपनी बेटी की हालत देखकर घबरा गई। हसन बसरी को सुनाया, मैंने ऐसा ऐसा देखा बेटी को। कहा ठीक है, जाओ पढ़ वढ़ करके बख्शा करो। कुछ ही दिनों के बाद हसन बसरी ने उस लड़की को देखा कि सर पर सोने का ताज है, जन्नत की मोतियाँ उस पर निछावर हो रही हैं, जर बर्क लिबास में है। दूसरी लड़की ने कहा, हसन बसरी आप उसको जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं वही औरत की लड़की हूँ जिन्होंने तारकूल का लिबास पहना और उसको देखा था। कि यह हालत तुम्हारी कैसी हो गई? कि एक आलिम कब्रिस्तान से गुजरे और उन्होंने नबी पर दुरूद पढ़ा और कहा कि या अल्लाह, इस दुरूद की बरकत से इस यहाँ के कब्र मुर्दे के कब्रिस्तान के मुर्दे को पट दे। 5 लोगों को अजाब हो रहा था, नबी के दुरूद की बरकत से 5 लोगों की बख्शिश हो गई, मेरी भी बख्शिश हो गई। सुन्नियों, हम दुरूद पढ़े, आपकी बख्शिश हो जाए। जो दूसरों को दुरूद का सवाब पहुँचा दे उसकी बख्शिश हो जाए। जो जिंदगी भर दुरूद शरीफ पढ़ता रहेगा यकीनन उसको नबी की शफात होगा, नबी की शफात मिलेगी। कहाँ गए हजरत? कहाँ गए? अच्छा, तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई। अच्छा, ये देखिए छीनी आ गई। हाँ माशाल्लाह, लाइए छीनी लाइए। मगर एक बात और मैं बतला दूँ, यस ये सवाब, मैंने कुरान पढ़ा आपको बख्शा, मैंने दुरूद पढ़ा आपको बख्शा, रख दीजिए उसी पर, रख दीजिए ना, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैंने कुरान पढ़ा आपको बख्शा, दुरूद पढ़ा आपको बख्शा। सुनिए, हम आप पढ़ें किसी को बख्शे तो कब पहुँचेगा? एक सहाबी हैं, उनका नाम है अमर बिन आस। इनके जो बाप थे वाइल बिन आस, वो मुनाफिक थे, काफिर थे। वो जब मरने लगा तो उन्होंने वसीयत किया, मुनाफिक ने जो मुंह से कलमा पढ़े दिल में नबी का बोझ रखे, वसीयत किया। अपने दोनों बेटे दो बेटे थे, एक हिशाम एक अमर। अमर मुसलमान थे, हिशाम उसी का की देखा था कि हमारे नाम से 50-50 गुलाम आज़ाद कर दो, हम मर रहे हैं। तो हिशाम ने आज़ाद कर दिया।
और अमर आपने अभी आज़ाद नहीं किया, मर गया वो, तो हुजूर के पास आए। हुजूर मेरे बाप ने मरते वक्त ये वसीयत की कि 100 गुलाम आज़ाद कर दो, मेरे भाई ने आज़ाद कर दिया। अगर मैं आज़ाद कर दूँ, मेरे आका ने फरमाया बोलो काना मुसलमान, अगर मुसलमान हैं तो अतक्तुम अनहो असदक्तुम अनहो अहजतुम अनहो बल लगा जालिका, अगर वो मुसलमान होगा तो उसकी तरफ से सदका करो, हज करो, उसकी तरफ से गुलाम आजाद करोगे तो उसको पहुँचेगा, और नहीं तो कुछ नहीं पहुँचेगा। नहीं तो देवबंदी महावीर जितने हैं उनके नाम से कुरान पढ़ो, दुरूद पढ़ो, उनको पहुँचेगा ही नहीं। उनका हाल ये है कि मर गया मरदूद न फातिहा न दुरूद, मर गया मरदूद न फातिहा न दुरूद। आखिरी बात मैं अर्ज करने जा रहा हूँ, गौर से सुनना। हाँ, आखिरी बात सुन रहा हूँ कि बख्शी तो सिर्फ सुन्नियों की है, निजात सिर्फ सुन्नियों की है। एक किताब है, उसका नाम है कशफुन नूर। उस किताब के मुसन्निफ़ हैं अल्लामा अब्दुल गनी नावलसी। उनके ज़माने में गुरु थे, उनका नाम था नसर बिन मोहम्मद साहब, नसर बिन मोहम्मद साहब उनका नाम था। तो जब जब कोई सुन्नी मरता तो नसर बिन भैया जी सुनिएगा, नसर बिन मोहम्मद साहब सुन्नी के जनाजे में ज़रूर जाते। एक मरतबा सुन्नी के जनाजे में ज़रूर जाते और किसी के जनाजे में नहीं, सुन्नी की जनाजे में जाना चाहिए और किसी की जनाजे में नहीं जाना चाहिए। सरकार के ज़माने में एक जनाजा मस्जिद नबी से गुजर रहा था, साहबा ने अर्ज़ किया हुजूर चलिए इसके जनाजे में शिरकत कर लीजिए, आप जिसके जनाजे में शरीक हो जाते हैं उसके कौर में नूर भर जाता है, चलिए इसकी मस्जिद का सामान हो जाए, आप जनाजे में शिरकत कर लीजिए। सुना कि नहीं, मेरे नबी ने फरमाया कि नहीं, मैं उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूँगा, इसलिए कि मेरे उस्मान को ये गाली देता था, मेरे उस्मान को ये बुरा कहता था, मैं उसके जनाजे में शिरकत नहीं करूँगा। तो बरेली से आला हजरत ने ये ऐलान किया कि सुन्नी हो जो उस्मान गनी को बुरा कहे उसके जनाजे की नमाज नबी ने ना पढ़े, और जो नबी को बुरा कहे उसके जनाजे की नमाज कोई उम्मत ना पढ़े। समझा कि नहीं, तो नसर साहबा कराम का ईमान कितना ताज़ा था, आज आप रिश्ता को नाता को देखते हुए सबके जनाजे में शिरकत हो जाते हैं। फारूक आज़म है, एक सहाबी है हुज़ैफ़ा बिन यमान, सुना कि नहीं, मौलाना नईम उद्दीन साहब हुज़ैफ़ा बिन यमान एक सहाबी है। उन हुज़ैफ़ा को हुजूर ने बतला दिया था मुनाफिक की पहचान कि पेशानी के निशानात है, हथेली के निशानात है, ऐसे होंगे तो मुनाफिक होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा तो मुखलिस सुन्नी होगा। सरकार ने सिखा दिया मुनाफिक और सुन्नी की पहचान। तो फारूक आजम जब जाते कोई मरता जनाजे में जाते तो ऐसे देखते किसको देखते कि हुज़ैफ़ा है कि नहीं है। हुज़ैफ़ा को नबी ने हक और बातिल की पहचान बतलाई है, अगर वो होंगे तो जनाजा हक का होगा। अगर हुज़ैफ़ा होते भी फिर भी फारूक आजम एक पांव आगे कर लेते, हुज़ैफ़ा को देखते, हुज़ैफ़ा जब उनको देखते यानी है ठीक मैं पढ़ूँ, सुभान अल्लाह, ईमान होता ऐसा हो ईमान। इसीलिए हुज़ूर सल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फारूक आजम तू रहम कर, इसलिए मेरे तेरे लिए इन्होंने किसी से दोस्ती नहीं किया, किसी से दोस्ती नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि नसर बिन मोहम्मद साहब एक मशहूर सुन्नी मरे तो उसके जनाजे में गए, काफ़ी भीड़ थी, तो कब्रिस्तान के किनारे खड़े हो गए कि जरा सा देख ले लोग मुर्दे के साथ क्या सलूक करते हैं। खड़े हो गए, क्या देखा कि दो लोग कब्र के अंदर गए, बाहर से मुर्दे को एक आदमी ने सर पकड़ा, एक आदमी कमर में रुमाल लगाया, एक आदमी ने पाँव पकड़ा, नीचे वाले को दिया, नीचे वाले ने सुला दिया और आगे पीछे का बंद खोल दिया, दोनों निकल आए। फिर एक आदमी को देखा नसर ने कि अंदर गया और वो निकला नहीं है, लोगों ने कब्र को पाट दिया। इन्होंने लोगों से कहा कि क्या आप लोग मुर्दे के साथ जिंदा को भी दफन कर देते हैं।
लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा तो हम लोग नहीं करते हैं। अगर मैंने देखा है एक आदमी अंदर गया, आप लोगों ने कब्र तैयार कर दी, क्या आपने देखा तो आप जानिए, हम लोगों ने ऐसा किया नहीं है। बस उसी कब्रिस्तान में मुसल्ला बिछाया नसर ने, दो रकत नफ नमाज पढ़ा, अब बैठ करके 10 मरतबा सूरह मुल्क पढ़ा, 10 मरतबा सूरह यासीन, कहे अल्लाह वास्ता तेरी बारगाह में सूरह मुल्क का, वास्ता तेरी बारगाह में सूरह यासीन का। मैंने आदमी को जाते हुए देखा है, निकलते हुए नहीं देखा है। अल्लाह उस रात को खोल दे, और कब्र शक हुई फटी, उसमें से एक आदमी निकला और तेज तेज कदम चलने लगा, कहा कि रुकिए। नसर ने कहा रुकिए, आप टावर तोड़ मत जाइए, सरपट मत जाइए, मैंने सूरह यासीन पढ़ के दुआ की है, सूरह मुल्क पढ़ के दुआ किया है, जब जाके आप निकले हैं ऐसे मत जाइए, अपना नाम पता बता के जाइए। तो रुक गए, कहा तुम नसर मोहम्मद साहब हो, कहे जी आप कौन है, कहे मैं रब का फरिश्ता हूँ, मैं रब का फरिश्ता हूँ, कोई भी सुन्नी मरता है मैं उसकी कब्र में जाता हूँ, देखता रहता हूँ कि मुनकर नकीर के सवालों का जवाब देता या नहीं देता है, अगर दे दिया तो ठीक, अगर गड़बड़ हो गया तो मैं जवाब बता देता हूँ, मैं जवाब बता देता हूँ, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। हिसाब किताब ताबद अहले सुन्नत पिलाको सलाम, सुन्नियों है मुसलमानों, सुन्नी बनकर रहो, सुन्नी बनकर मरो, तुम पर अल्लाह की रहमत होगी। आप यहाँ की पढ़ाई हाफिज नईम साहब की कदरदानी में कोई कमी ना हो, कोई कमी ना हो, लेकिन जितना हाफिज कुरान मरेंगे पढ़ेंगे हाफिज कुरान होंगे वो 10-10 ही आदमी की शफात करेंगे, तो अगर 1000 हाफिज कुरान बन गए तो पूरे आज़ाद नगर के काम हो जाएगा। अरे मेरे भाई इस मदरसे की हाफिज कारी मौलाना नईम साहब की खूब मदद कीजिए, और मदरसे को चलाने में खूब ताउन कीजिए ताकि हाफिज कुरान होता रहे। याद रखेगा जिस बस्ती में जिस शहर में जिस मोहल्ले में कुरान की तलावत होगी उस पर अंसार साहब कबूल है, निसार मौलाना अंसार साहब, हाँ है नहीं, हाँ हाँ अच्छा ये हमारे डॉक्टर लैस साहब हैं, मौलाना अंसार सैयद साहब जो अमेठी में पढ़ाते हैं काम करते हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने बड़ी मेहनत से आज मेरे मुकद्दस में ज़मीन लिया है ताकि वहाँ से हम हाफिज कुरान पैदा करें, हाफिज कारी को निकालें और आलिम का कोर्स करें, इस तरह से सुनियत का काम होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को कह दीजिए कि अगर मौलाना सैयद अंसार आवे तो उनका ताउन कीजिए। मैं कब कहूँगा नहीं, जितने सुन्नी इदारे हैं सब मेरे हैं और सबको क़यामत तक अल्लाह कायम रखे, मेरी ये ख्वाहिश है सबसे दिन का काम हो, सुन्नियत का काम हो। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा, अस्सलाम तो सलाम उठिए।